हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम बनाकर तैयार करेंगे जबरदस्त अफगानी पनीर टिक्का। एकदम मलाईदार मुंह में डालते ही घुल जाए इस तरीके का रेस्टोरेंट स्टाइल सीक्रेट चटनी के साथ, स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कंप्लीट रेसिपी वॉच कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल इंडियन दरबार किचन को सब्सक्राइब कर। आज हम बनाएंगे बढ़िया सी अफगानी पनीर टिक्का। इतना टेस्टी, इतना मुलायम। सारे टिप्स मैं बताऊंगी बिना तंदूर, बिना ओवन, बिना एयर फ्रायर के आप चूल्हे पर, तवे पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लेट, इसमें हम मैरिनेशन को ऐड करेंगे। चलिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है हंकर्ड, 200 ग्राम उतना हंकर्ड। अगर आपके पास ना हो तो रेगुलर वाला कर्ड मसलिन के क्लॉथ में टांग लीजिए, जितना भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा मसलिन के क्लॉथ में ऐड करने से। आप उस मैंने यहाँ पर 15 कैशू को 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में सोक किया था, उसका पेस्ट बना लिया है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी, रिच अफगानी पनीर टिक्के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून उतना फ्रेश क्रीम है। साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून उतना मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून उतना चाट मसाला, 1 टीस्पून उतना धनिया, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्रियूमन पाउडर दरदरा सा पिसा हुआ ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून उतना कसूरी मेथी को हल्के से तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया है, उसको क्रश किया है, बस उसी का पाउडर है। बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। इन सारी चीजों को अच्छे से हमें हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी लंप ना रहे। बहुत ही टेस्टी भी बनता है, इसीलिए मैंने इस तरीके के बड़े से प्लेट का यूज किया है। यहाँ पर चीजें अच्छे से मिक्सअप हो जाए, बाइंडिंग अच्छी हो, कोई भी लंप ना रहे, एकदम क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। बस इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर ले, फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाथों से अच्छे से मसल लिया था। आप थिकनेस चेक कर सकते हो, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप हंकर्ड का यूज करें। बहुत ही बढ़िया आपके अफगानी पनीर टिक्के बनकर तैयार होंगे। इसके बाद आप रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल बंद कर देंगे पनीर टिक्कों के लिए। ऐसी सारी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप घर पर भी परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसे अफगानी पनीर टिक्के बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए मैं इसमें एक दूंगी तंदूर इफेक्ट, तो उसके लिए सेंटर में एक बाउल को प्लेस कर दूंगी। इस तरीके से एक चारकोल की पीस ऐड कर देंगे और ऐड कर दूंगी थोड़ा सा घी ऊपर से, इससे बढ़िया सा तंदूर वाला इफेक्ट आ जाएगा हमारे पनीर टिक्का में। मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, हम इसे कवर करके ढक के रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जबरदस्त सी हरी चटनी जो एकदम ऑथेंटिक और स्पेशल तरीके से बनने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हो चुके हैं 5 मिनट्स, मैं लिड को हटा दूंगी और इस बाउल को रिमूव कर देंगे। बढ़िया सा यहाँ पर हमारा चारकोल इफेक्ट इसमें बनकर तैयार है। तो चलिए इसको कोट कर लेंगे पनीर और कैप्सिकम के साथ। मैंने यहाँ पर यूज किया है 400 ग्राम उतना पनीर, इसको कुछ इस तरीके से क्यूब्स में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। थिक वाला पनीर का यूज कीजिएगा, एकदम मलाईदार पनीर का यूज ना करें पनीर टिक्का प्रिपेयर करने के लिए। आप देख सकते हो इवन साइजेस के मैंने यहाँ पर कट करके तैयार किया है पनीर। सेम तरीके से कैप्सिकम्स को भी क्यूब्स में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसी के साथ है ऑनियंस, ऑनियंस को 2 हाफ्स में कट किया, फिर इनको 4 हाफ्स में करके इस तरीके से ऑनियन के पेटल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया है ओटीजी वाले स्क्यूअर्स, अगर आपके पास स्टील के स्क्यूअर्स हो, अगर इस तरीके के स्क्यूअर्स ना भी हो तो आप वुडन बैम्बू स्क्यूअर्स का भी यूज कर सकते हो, उससे भी बढ़िया तरीके के बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फर्स्ट मैं यहाँ पर कोट कर लूंगी हल्के से ऑनियन को। फर्स्ट लेयर हम ऑनियन की ऐड करेंगे ताकि पनीर भी बढ़िया तरीके से सिक्योर हो जाए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर पनीर की पीस, हम अच्छे से पनीर को ऑल द 4 साइड्स कोट कर लेंगे और इस तरीके से सेंटर से लेते हुए जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम की एक पीस, इसको भी इसी तरीके से स्क्यू में। तो चलिए नेक्स्ट, फिर से मैंने ऑनियन का एक लेयर लगाया है हल्के से इस तरीके से। फिर मैं ऐड कर दूंगी पनीर, लेंगे कैप्सिकम की पीस,
इसको भी कोट करेंगे, सिक्योर कर लेंगे, ऐसे ही स्टिक प्रिपेयर कर लेंगे। लीजिए बढ़िया, इस तरीके से सिक्योर कर लिया है मैंने पनीर के टिक्के को, आप देख सकते हो बढ़िया इवनली। ऐसे ही मैं सारे प्रिपेयर कर लूंगी। लीजिए बढ़िया तरीके से मैंने इस तरीके के स्क्यूअर्स में भी लगा लिया है सारे पनीर के टिक्कों को, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से अरेंज कर लिया है वन आफ्टर द अदर। मैं आपको तवे पर भी बनाना बताऊंगी, यहाँ पर बैम्बू के स्क्यूअर्स थे तो मैंने उसमें भी दो स्टिक्स लगा लिए हैं, मैं तवे पर भी आपको बनाना बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा टेक्सचर किस तरीके का होगा जब हम चूल्हे पर इसे बनाएंगे और तवे पर। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, टेस्ट दोनों में जबरदस्त आने वाला है। तो चलिए क्विक मैं आप लोगों के साथ हरी चटनी बनाना शेयर करूंगी, तब तक इसे करते हैं साइड। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिया है जार, इस ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे हाफ अ कप ऑफ फ्रेश मिंट, वन बंच फुल ऑफ कोरिएंडर धनिया, इसी में जाएगी चार ग्रीन चिलीज, हाफ अ टीस्पून उतना जीरा, हाफ अ टीस्पून उतनी इमली, जिंजर हाफ अ इंच, गार्लिक चार से पांच मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसी में ऐड कर दूंगी गुड़ थोड़ा सा मिठास के लिए, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी में ऐड कर दूंगी हाफ अ टीस्पून उतना काला नमक और चार से पांच आइस क्यूब्स, ताकि रिटेन हो बढ़िया सा हरी चटनी में कलर। यहाँ पर चिल्ड वाटर ऐड करके हम इस चटनी को बनाएंगे, इसको पल्स मोड में रख के 2-2 सेकेंड्स का ड्यूरेशन देते हुए ग्राइंड कर लीजिएगा, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। एक्सेस हीट से ना चटनी का टेक्सचर और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लूं। चलिए मैं आपको टेक्सचर तो बता दूं इस चटनी का, कितना बढ़िया सा टेक्सचर यहाँ पर बनकर हरी चटनी का तैयार है। तो चलिए बढ़िया सीमेंट चटनी रेस्टोरेंट वाली, ये भी मैंने शेयर कर दी। चलिए टिक्के स्टोव पर कैसे बनाते हैं वो भी दिखा दूं। तो चलिए मैंने चूल्हे पर यहाँ पर लो फ्लेम पर कर लिया है, हल्के से मैं एक स्क्यूअर लूंगी, इस तरीके से हल्के हल्के से मैं यहाँ पर इसको रोस्ट करते कुक करते हुए जाऊंगी, जिससे आपको इस पर ग्रिल मार्क्स बढ़िया तरीके के दिखना स्टार्ट होंगे। बस इसे पेशेंसली करना पड़ेगा, 3-4 मिनट लग जाएंगे ईच साइड बनते हुए, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर दोनों बढ़िया निखर कर आएंगे इस तरीके से बनाने से। हल्के हल्के से जेंटली इस तरीके से मैं यहाँ पर, मैंने इसीलिए इस तरीके के स्क्यूअर्स का यूज किया है, ताकि दोनों साइड्स मैं होल्ड कर सकूं और इजी हो इसे सेकना चूल्हे पर। आप देख सकते हो कितना बढ़िया और खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। साइड्स में भी इसी तरीके से हल्के से मूव होते हुए हम कुक कर लेंगे, ताकि इवन कुकिंग हो। 3-4 मिनट में ये इजीली बनकर तैयार हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। एकदम रेस्टोरेंट होटल आप जाना भूल जाओगे, उतनी जबरदस्त अफगानी पनीर टिक्का घर पर बनकर तैयार होगा। तो चलिए एक साइड से ये डन है, टाइम लगभग 4 मिनट लगा है मुझे एक साइड से कुक करते हुए, अनदर साइड ऑल द 4 साइड मैं इसी तरीके से कुक कर लूंगी। हल सकते हो बढ़िया सा कलर आ चुका है दोनों साइड पर, बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं इवनली। सारे 4 साइड भी मैंने इसी तरीके से हल्के से आंच पर कुक कर लिए है फ्लेम पर। तो इसे रिमूव करेंगे और बटा को अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए जैसे ही मैंने गर्मा गर्म निकाला, ऊपर से हल्के से थोड़ा सा बटा अप्लाई कर दूंगी, बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यमी लगकर बनकर तैयार होते हैं। ऐसे में आना दिए बढ़िया तरीके से मैंने इसको भी स्क्यूअर से रिमूव कर लिया है, हल्के से बस इस तरीके से गर्मा गर्म रिमूव किया है। तो ऊपर से अप्लाई कर देंगे बटर, बटर हो या घी जो भी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हो, बहुत ही रिच टेस्ट देगा। तो चलिए डायरेक्ट फ्लेम वाला तो मैंने बता दिया, बिल्कुल वो टेस्ट होटल और रेस्टोरेंट जैसा, ग्रिल मार्क्स आप चेक कर सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से आए हैं। तो चलिए तवे पर भी बनाना बता दूं। तो चलिए बढ़िया तरीके से तवे पर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तवा, तवे को अच्छे से हीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगी बटर को कर देंगे अच्छे से बढ़िया तरीके से स्प्रेड, मेक श्योर कीजिएगा तवा अच्छे से हीट हो तभी बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आएंगे। तो चलिए मैं इस तरीके से लिफ्ट करते हुए प्लेस कर दूंगी सेंटर में, ईच साइड 2-3 मिनट्स दे दीजिएगा, विद इन 3 मिनट्स ही आपको ग्रिल मार्क्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुक होते हुए ईच साइड से 2 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं, इतने काफी हैं, एक्सेस हमें डार्क नहीं करना है, बस हल्के से इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे
इस साइड भी कुक कर लेंगे ताकि लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए बढ़िया से। इस तरीके से भी ग्रिल मार्क्स आएंगे। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टेक्सचर में वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो फ्लेम पर किया था और तवे पर, दोनों में आप लोगों को बताऊंगी। देख सकते हो बढ़िया तरीके से सारे साइड अच्छे से हो चुके हैं कुक। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने बैम्बू स्क्यूअर्स पर लगाया है, तो स्टिफ नहीं है, राउंड रोटेट हो रहे हैं। बस इसीलिए हम इस तरीके से बैम्बू स्क्यूअर्स पर डालकर फ्लेम पर डायरेक्टली हम इसे कुक नहीं कर सकते। चलिए इसे भी कर लें। तो आप चेक कर सकते हो जो हमने डायरेक्ट फ्लेम पर बनाया था उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। आप ग्रिल मार्क से ही लगाओ कितनी बढ़िया तरीके से फ्लेम बने हैं। जो हम वे पर प्रिपेयर था उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। मेथी अगर आपके पास जैसे आप फ्लेम सेक सकते तो मैं कीजिए तवे पर खाइए, बट मस आउट ना। चलिए इसे प्लेट कर लें। तो चलिए बढ़िया सा मैंने यहाँ पर प्लेट कर लिया है अफगानी पनीर टिक्का को। टेक्सचर और टेस्ट जो चेक करें, ऊपर से ऐड कीजिएगा चाट मसाला और लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए। एंजॉय कीजिए इस हरी चटनी के साथ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम बनकर तैयार होते हैं। अभी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको पीस चेक करा दूं, जो हमने तवे पर बनाई थी उसकी थोड़ा सा हल्का सा हार्ड वाला टेक्सचर मैंने पनीर का कहा था। देख सकते हो आप एकदम कंप्लीटली कुक्ड है। ग्रिल मार्क्स आप चेक करें, बहुत ही बढ़िया। एंजॉय कीजिए पुदीने की चटनी लेमन और चाट मसाले के साथ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आप इस पनीर टिक्का को, अफगानी पनीर टिक्का को कब ट्राई करने वाले हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास में एक घंटी वाला बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट रेसिपीज सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।